गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लीज फाइनेंसिंग की ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़े अच्छी तरह से इसको, फिर देखते हैं क्या पूछा है इसने। मेसर्स गामा एंड कंपनी इज प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलिंग अ पावर सेविंग मशीन एंड आर कंसीडरिंग बाइंग और लीजिंग अल्टरनेटिव। द मशीन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन। गामा एंड कंपनी कैन रेज डेट्स एट 14%, पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, अगर वो खरीदेगी तो इतने में करेगी। इन केस ऑफ लीजिंग कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एनुअल एंड ऑफ द ईयर 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। द कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट। द सेवे वैल्यूज इज दिस। इवेल्युएट द टू अल्टरनेटिव्स एंड एडवाइज द कंपनी बाय कंसीडरिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट कंसेप्ट अंडर बोथ अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें ये देखना है कि हमारी आज की रेट में मशीन की कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, चलिए अगर हम उसको लोन पे लेते हैं तो हमें देनी पड़ेंगी 5 इंस्टॉलमेंट। फ्रेंड्स, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर आपको याद है, नहीं तो मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ, ई वाई आई इज इक्वल टू होता है इक्विटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट ये होती है लोन अमाउंट अपॉन पीवी आई एन्युटी फैक्टर परसेंटेज एंड ईयर। अब इस क्वेश्चन में हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी है 17858। तो हमारा इससे हम क्या निकाल लेंगे, लोन अमाउंट निकाल लेंगे। फोर्टीन परसेंट और कितने ईयर्स, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 5 ईयर्स। 14% का 5 ईयर्स पर जो हमारा एनुटी फैक्टर आएगा टेबल से निकाल लेते हैं, चलिए। सो एनुटी फैक्टर देखना है हमें, फोर्टीन परसेंट और हमें देखना है 5 ईयर्स। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहे हैं हम लोग, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब शुरू में ही दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट। अगर हम शुरू में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो इसको फिर निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ईयर के स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो यानी कि ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 और कितनी पेमेंट दे रहे हैं हम लोग, 5th ईयर में जो पेमेंट्स करेंगे वो स्टार्टिंग में ही कर देंगे हम, तो इस पर डिस्काउंटिंग हमारी 4 ईयर्स की आएगी। तो जब नहीं, मैं थोड़ा समझा दूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ इसको। ईयर ले लेते हैं, ईयर 1, 2, 3, 4, 5।
अगर ये ईयर एंड है तो एक साल बाद एक रुपये मिलना है तो पीवी फैक्टर 14% पे आएगा, कितना 1/1.14, तो ये आएगा 0.8772। दूसरी वैल्यू आएगी 0.7695, 0.6749, 0.5921 एंड 0.5194। ये फिफ्थ ईयर के एंड में है, मतलब एंड में, तो हमने 5 साल की डिस्काउंटिंग करी। लेकिन अगर यही ईयर की बिगिनिंग में हो जाए, तो वो तो एक तरह से ईयर बिगिनिंग का मतलब है ये डाउन पेमेंट है। तो इसमें पीवी फैक्टर जब हम 14% पे निकालेंगे तो इस पे हमारी कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि आज ही अभी मिल रहा है। फिर ये होगी 8772, ये 7695, ये 6749 और ये 5921। 5 साल, 5 में एक बिगिनिंग यानी कि चौथे का एंड, तो टेक्निकली 4 साल की ही वो ली जाएगी। अब इसको ऐड कर दें, 8.772 प्लस 8772 प्लस 7695 प्लस 6749 प्लस 5921 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 3.9137। ठीक है, अब हम ये कैसे निकाल सकते थे टेबल से, ये भी देख लें। आप 14% पे 4 ईयर का देखें तो आ रहा है 2.914 आ रहा है। तो 14% पे 4 ईयर का 2.914 और फर्स्ट ईयर का आपको तो 3.914। ये वैल्यू ये निकाल के देंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा ईयर एंड से निकाला जाता है। क्लियर है ना? ये सारी वर्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन समझाई है मैंने, नॉट नीडेड फॉर दिस, इसकी ज़रूरत नहीं थी। सो दिस अमाउंट विल बी लोन अपॉन 3.9137 और इससे लोन कितना आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 69998, ये लोन निकल आएगा। अगर लोन अमाउंट दी रहती है तो हम EYI निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर EYI दे रखी है तो हम लोन अमाउंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? सिंस डाउन पेमेंट हमें कोई दे नहीं रखी, लोन अमाउंट ही हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स बन सकती है। दैट इज 6999998 हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ गई। इसका दूसरा तरीका भी है, इसको लॉन्ग बेस से भी निकालना सिखा देते हैं, एग्जाम में नहीं निकालिएगा, टाइम बर्बाद करना ज़रूरी नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकलेगी समझ लीजिए। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा इंस्टॉलमेंट पे करके क्लोजिंग बैलेंस तो हो जाएगा नील।
इंस्टॉलमेंट हम कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट हमारी होगी 177,858। आपको याद है हायर परचेज में हमने एक रिवर्स कैलकुलेशन करी थी बैक डेट से, ये वही कंसेप्ट लग जाएंगे इसमें। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट 178,858 into 14 divided by 114, so this comes to 21965। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा हुआ 156,893। तो यहाँ पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बचेगी 156,893। तो अब आप इसको निकालेंगे कैसे? 156,893 प्लस 178,858 इंटू 14 अपॉन 114। ठीक है, सो 156,893 प्लस 178,858 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 114, सो दिस कम्स टू 41233। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए करा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करके आइएगा, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज़ अ प्रूवन मेथड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है किसी बुक में अगर करके दिया होगा तो आप कहेंगे सर ये क्या बवाल कर रखा है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बची है अब आपकी 16, यानी कि यहाँ तक अगर देखें तो हमारी आउटस्टैंडिंग क्या थी? 294,518। ठीक है जी, तो थर्ड ईयर की क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग बची होगी इतनी, तभी तो ये हमारी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गई। सो अब निकालना आपको आता है 294,518 प्लस 178,858 इंटू 14 अपॉन 114 करेंगे, सो दिस विल कम 58,134, सो दिस विल बी 120,724। तो ये टोटल कर देंगे तो 415,242 तो ये आ जाएगा हमारा 72960 105,898। यहाँ पर बचेगा 521140 521140 177,858। थोड़ा मैं जल्दी खींच रहा हूँ क्योंकि ये फालतू की टाइम बर्बाद कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा आपका ब्याज आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि शुरू में आपने कुछ ब्याज दिया नहीं था, डाउन पेमेंट है। तो 178,858 तो ये आ जाएगा हमारा 699,998। दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड ये काम नहीं करना है, मैं अब आपको सिखाने के बाद आपको बता दूं कि मैं इस पे एक क्रॉस लगा रहा हूँ, ये नहीं करना है। आप कौन सा करेंगे? ये करेंगे, दिस इज यू हैव टू डू।
ये शॉर्टकट और सिंपल, ठीक है। ये समझ लेना कि जब ईयर एंड होता है और ईयर बिगनिंग, ये कंसेप्ट फर्क से समझ लेना। ये चाहो तो ये मैनुअली कर सकते हो। अब फ्रेंड हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकल आई। अब इससे अब हमें देखना है दो ऑप्शन हमारे पास कि भाई हम इसे लीजिंग से खरीदें कि हम इसको लोन से खरीदें, यही है ना। तो हम देखेंगे, खरीदते हैं तो हमारी क्या प्रेजेंट वैल्यू निकलती है और लीजिंग करते हैं तो क्या प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, और दोनों के केसेस को हम फिर कंपेयर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। मैंने क्या होता है कि एक बार एक बच्चे ने कहा था कि सर उस बुक में ऐसे दिया है, मैं उसे समझा समझा के परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा ये सिंपल तरीका है। कह रहे नहीं नहीं सर बुक में ऐसे दिया है। तो मैंने कहा बेटा मैं तुझे समझा देता हूँ, बट क्या होता है कि कुछ बच्चे समझ जाते हैं कुछ नहीं समझते, इसलिए फिर मैंने प्रैक्टिस की है कि भाई बुक में जो लिखा है वो भी समझा दो, ठीक है ना। सो नाउ अब हमें देखना है लीजिंग ऑप्शन एंड ये ऑप्शन। तो पहले बाइंग ऑप्शन में हम ये देख लें कि हमारा क्या इंटरेस्ट है और क्या वो है। चलिए तो एक हम बाइंग ऑप्शन का पहले वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। बाइंग ऑप्शन में पहला वर्किंग नोट, पहला स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। फ्रेंड आप कहेंगे ये तो ऑलरेडी सर वो कर ली, बट मैं तो वो आपको कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, ई वाई आई क्या है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंटरेस्ट कितना होता है, टुवर्ड्स प्रिंसिपल कितना दिया हमने, और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग बचा कितना, ठीक है जी। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारी थी 699998, हमने दिया 177858। अच्छा ईयर के बिगनिंग में दे दिया, बिल्कुल दे दिया। इंटरेस्ट तो कुछ होगा नहीं, यानी कि पूरा हमने किस पे दिया है, प्रिंसिपल पे दिया है। तो आउटस्टैंडिंग बचा कितना, 521139 कर लें या 40 कर लें, 40 कर लेते हैं। तो 521140 पे ये तो इंस्टॉलमेंट हमारी यही है, अब इस पे इंटरेस्ट आएगा 14% से। तो ये 14% से जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 72960। तो 72960 करेंगे तो ये बचेगा हमारा 105898, ठीक है। तो ये 415242 इंटरेस्ट आएगा 58134, तो 120724, तो यहाँ पर आएगा 294618 41233 137625 156893
256893 बैलेंस कितना हो गया टेल, ठीक है, तो 5वें साल तक जाना ही नहीं है। तो ये हमारी रिपेमेंट आ गई, अगर इसका टोटल करेंगे तो ये 6998 आ जाएगी। अब ये हर साल का हमें इंटरेस्ट आ गया, तो सेकंड निकालेंगे हम टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन। 5 साल की हमारी टैक्स सेविंग देख ले, यहां लिखेंगे हम ईयर वन, यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट, यहां लिखेंगे हम डेप्रिशिएशन, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर जो अलाउ होगा, और इस पर टैक्स सेविंग निकल आएगी, एक तरह से जो आपने टैक्स बचा लिया। 1, 2, 3, 4, 5 इंटरेस्ट आपका पहले साल में कितना है, 7296058134412332195, और डेप्रिसिएशन आपका 5 ईयर्स में जो जाना है, क्वेश्चन में उसकी वो दे रखी होगी ना इन्होंने स्क्रैप वैल्यू, ये देखो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, सेल्वेज वैल्यू। सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 5 साल का 1,35,000। तो जो खर्चा अलाउड होगा वो हमारा ये होगा, वन सेवन सिक्स वन नाइन वन वन नाइन थ्री वन थ्री फोर एंड 207960, और टैक्स सेविंग हमारी 40% से आ जाएगी 8314 77254 70496 62786 54,000, ठीक है। तो ये टैक्स सेविंग आ गई। अब हम देखेंगे कि भाई हमारी प्रेजेंट वैल्यू बाइंग ऑप्शन में क्या है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बाइंग ऑप्शन में, यहां लिखें आप ईयर, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, ठीक है जी। यहां लिखें कैश फ्लो, यहां लिखें टैक्स सेविंग, जीरो से स्टार्ट कर दें, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो ये हमारा आएगा नेट कैश फ्लो। फिर हम लिखेंगे पीवी फैक्टर 14% पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 178858, ये हम इंस्टॉलमेंट देंगे, ये 5 इंस्टॉलमेंट दे दी। टैक्स सेविंग हमारी आएगी
83184, 77254, 70493, 62486, 54000, ठीक है जी। सो नेट कैश फ्लोस 178858, यहाँ पर आएगा 95674, 101604, 108365, 116702 एंड -54000। पाँचवें साल में हमें सेल्वेज वैल्यू भी आ जाएगी हमारी, तो -24998। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दीजिए 1.00, 0.9225। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है, क्वेश्चन में दिया था आफ्टर टैक्स, तो ये आएगा हमारा 14 1 माइनस टी, तो इफेक्टिवली 8.4% पर आएगा ये, यहाँ पर आएगा 0.8510, 0.7851, 0.7242, 0.6681, 0.6681, ठीक है जी। चलिए, सो 178858, 88259, 88465, 85077, 84059, -36007, -16702। तो इन सब का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो आती है हमारी कितनी, 486641। नहीं नहीं नहीं, इतनी नहीं आएगी, 16000 भी तो कम करेंगे, सो ये आएगी हमारी 469940। ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही मेरी बाइंग ऑप्शन की। अब मैं लीजिंग ऑप्शन पे जाता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी ना, हाँ यही होता है लीज में होता है। अगर मैं अब लीजिंग ऑप्शन में जाऊँ तो लीजिंग ऑप्शन में मेरे पास क्या है कि मेरा जो लीज रेंट होगा वो कितना है, 25% ऑफ 69998, दैट इज 174999.5, और हम इसको 175000 लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज, लीजिंग ऑप्शन निकालते हैं, पीरियड होगा हमारा 1 से 5 years, लीज रेंट देंगे हम 175000 का, तो टैक्स सेविंग आ जाएगी हमारे पास 40% से 70000 रुपये बच जाएंगे कि नहीं, तो नेट आउटफ्लो जो हमारा जाएगा वो जाएगा 105000। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर निकाले हम 8.4% पे 5 साल का, जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले थे ना इससे पहले, इन सबको जोड़ दें 5 साल के, ये जो सबसे नीचे आपके 8.4% पे 9225 8510, ये सब जोड़ देंगे 5 साल के, तो इनका आएगा टोटल 3.9509। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो जा रहा है इसमें 414845। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर हम बाइंग ऑप्शन कर रहे हैं तो हमारा 469940,
और अगर हम लीजिंग ऑप्शन पे जाते हैं तो है 414845। सो लीजिंग ऑप्शन इज प्रेफरेबली एडवाइज्ड। लीजिंग ऑप्शन जाइए, फिर तो मतलब ही नहीं है जब हमारा आउटफ्लो ही कम है। तो इसमें थोड़ा सा लेंथ हमारा, जो पहले हमने ये समझाने की कोशिश करी है ना, इसमें इस वजह से भी थोड़ा टाइम बढ़ गया, बट कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना आपको। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था पर इतना टाइम लग गया, और इतना टाइम लगता ही है लीज वाले क्वेश्चन में, टाइम लगता है। थैंक यू।